देखिए नेक्स्ट अपना चैप्टर है, छोटा सा एक चैप्टर है कंप्यूटर का, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। ओके देखिए यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो पर्पज के आधार पे कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन से होते हैं जी, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो जनरल कार्यों को करने के लिए बनाएंगे, कोई भी कार्य करवा लो उनसे, जैसे हमारे पास पड़े होते हैं घर, जैसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पीसी बोल देते हैं, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ठीक है, जो भी हमारे घरों में कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पज होते हैं। रेलवे की टिकटें काटनी है तो ये काम आ जाते हैं, कोई अपने मनोरंजन के लिए करना है तो ये काम आ जाते हैं, एजुकेशन के लिए चाहिए तो भी ये काम आ जाते हैं, टाइपिंग वगैरह करनी है तो भी ये काम आ जाते हैं, ठीक है, हर काम के लिए आ जाते हैं, छोटे मोटे आप जितने भी काम है सारे इससे हो जाते हैं। जनरल पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों को पूरे करने के लिए, जो भी आपके सामान्य उद्देश्य हैं उनको पूरे करने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज, स्पेशल काम के लिए बनाया गया, ये वही काम करेगा जिसके लिए इसको बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल मौसम विज्ञान वाले बनाते हैं, मौसम की जानकारी आता है ना न्यूज़पेपर में, मौसम का वैज्ञानिकों ने कहा है कि आज इतने बजे तक बारिश हो जाएगी, हो चाहे ना हो एक बार कह देते हैं बारिश होने की संभावना है, आज आंधी आने की संभावना है, तो ये आंकड़े आते हैं, तो इनको जो जानकारी दी जाती है उनके लिए जो उनके पास जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर कैसा होता है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। मिसाइल लॉन्च करनी है इसरो ने आज, तो इस कंप्यूटर का थोड़ी लेकर जाएंगे वो, ठीक है, वो कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं, स्पेशल पर्पज का यूज करते हैं। बैंकिंग में, बैंकिंग में वैसे तो जनरल पर्पज ही होते हैं, बैंकिंग में कौन से होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, जो भी नॉर्मल हर किसी के डेस्क पे पड़े होते हैं वही कंप्यूटर होते हैं। उसके अंदर तो इंटरनेट और इंटरनेट का फर्क होता है, वहां पे इंटरनेट यूज काम नहीं करते, वो इंटरनेट करते हैं जो पर्सनल काम करते हैं, समझ आ रही बात। तो स्पेशल किसी भी काम को करने के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। बड़े बड़े जो भी काम किए जाते हैं, चाहे मौसम विज्ञान की जानकारी लेनी है, चाहे अपने मिसाइलें लॉन्च करनी है, या किसी भी प्रकार से इनका यूज किया जाता है, ठीक है, हो जाएगा, ये नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पे जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कौन से, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल जो हमारा जो आउटपुट है वो अंकों में देते हैं, अंकों में नॉर्मल काम करते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो सारे आंकड़े किस में देते हैं, अंकों में देते हैं, डिजिट्स पे काम नहीं करते, समझ आ रही बात। ताप दाब चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए थर्मामीटर दे दिया, तो वो डिजिटल थर्मामीटर थोड़ी है, आजकल तो डिजिटल भी चल गया, आजकल चलते हैं ना वो इस प्रकार से पिस्टल से रख लेते हैं डॉक्टर, वो तो डिजिटल हो गया, लेकिन जो जीभ के नीचे अपने रखते हैं पारा ऊपर नीचे जाता है वो कौन किस में आ गया, एनालॉग में आ गया। वजन तोड़ने वाली मशीन, वो एक रुपए का सिक्का सा डाल देते हो उसमें खड़े हो जाते हो, वो बता देते हैं लगभग आपका वेट, एनालॉग। जो डिजिट्स पे काम करते हैं जो कंप्यूटर, जैसे हमारे पीसी हो गए, लैपटॉप हो गए, सारे डिजिटल काम करते हैं, वो किसके अंदर आता है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो जीरो एक भाषा समझते हैं, मशीनी भाषा समझते हैं, कंप्यूटर तो सारे किस में आ जाते हैं, डिजिटल में आ जाते हैं, समझ आ रही बात। ऐसे कंप्यूटर जिनसे एनालॉग का काम भी लिया जाता है और डिजिटल का काम भी लिया जाता है वो किस में आते हैं, हाइब्रिड में, जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों ही काम करते हैं हाइब्रिड के अंदर आते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह भी इसका यूज कर दिया जाता है, लीटर में भी बता रहा है कितना पेट्रोल जा रहा है, रुपए भी बना रहा है आपके,
इनका काम कर लिए जाते हैं। मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल वगैरह में भी इसका यूज कर लिया जाता है। आ रही बात समझ गया? ओके, तो ऐसे कंप्यूटर जो अंकों में काम देता है, जो जीरो एक में काम नहीं करता, तो एनालॉग, जैसे मेरी ये घड़ी है, एनालॉग है या डिजिटल है? एनालॉग है, एनालॉग है, डिजिटल थोड़ी है। डिजिटल वॉच भी आती है, स्मार्ट वॉच नहीं आती आजकल, वो किस में आ जाएगी? डिजिटल में आ जाएगी। आ रही बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो दोनों काम करेगा वो हाइब्रिड में करें। नेक्स्ट, तो वर्क के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट, साइज के आधार पे, साइज के आधार पे, साइज के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है, किसके आधार पे? साइज के आधार पे। ये साइज के आधार पे बांटा गया, इसका साइज सबसे छोटा होता है। सबसे छोटे साइज के कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो वही जो हम यूज करते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिसे बोल देते हैं। पीसी की फुल फॉर्म पता है ना? पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, इसे लैपटॉप क्यों कहते हैं? लैब पे रखते हैं, लैब यानी गोदी, लैब पे रख के चलाया जाता है इसलिए। पाम टॉप, पाम का मतलब होता है पी ए एल एम, एल साइलेंट रहता है, पाम हथेली, हथेली पर रख कर चलाए जाते हैं। टैब, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? माइक्रो कंप्यूटर के, सबसे छोटे साइज के। एक कंप्यूटर पर एक ही बंदा बैठ सकते हैं, आप उस रम तो दो दो तीन तीन भी बैठ जाते हैं। बैठने से क्या होता है, कंप्यूटर तो एक ही था, वो कीबोर्ड भी एक था, माउस भी एक था, वो तो आप वैसे बैठ गए उस पर। एक कंप्यूटर को एक ही बंदा चलाता है। मिनी कंप्यूटर, इनकी तुलना में साइज में बड़े, इनकम रुपयों में महंगे, बिजली खपत करने में ज़्यादा, मतलब सब कुछ बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, रेट भी बढ़ जाएगा, बिजली भी ज़्यादा खपत करेंगे, सभी के लिए रहेगा ये। अरे बस समझ, तो मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े कौन होते हैं? मिनी कंप्यूटर होते हैं, वही स्पेशल कामों में, जो जनरल पर्पज में जैसे अपने घरों में यूज़ करते हैं तो यही होते हैं। स्पेशल कामों के लिए कौन से यूज़ किए जाते हैं? मिनी कंप्यूटर। इसमें एक कंप्यूटर के साथ दो से लेकर 200 कंप्यूटर इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, 200 LCDs, कीबोर्ड इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है। इनसे बड़े कौन होते हैं साइज में? मेन फ्रेम, इनसे बड़े होते हैं। सैकड़ों बंदे एक ही कंप्यूटर पर बैठ के काम कर सकते हैं, साइज में ये बड़े होते हैं। और ये तो हमें ध्यान ही है, दुनिया में सबसे पावरफुल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सुपर, नाम ही है सुपर, इससे ऊपर कोई कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है। स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। तो साइज में सबसे छोटे माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, क्लियर है? तो पहले हमने किए पर्पस के आधार पे, फिर हमने किए वर्क के आधार पे, फिर हमने किए साइज के आधार पे। पर्पस के आधार पे दो प्रकार के कौन से? जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। वर्क के आधार पे तीन प्रकार के कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज के आधार पे चार प्रकार के, पहले दो प्रकार, फिर तीन प्रकार, फिर चार प्रकार, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में, या तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है जैसे भी आपसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूछा गया, ठीक है। पर्पस के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जनरल होता है और स्पेशल होता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। या ऐसे दे देते हैं चार्ट सा बना के, कुछ भी तरीका हो जाता है पूछने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मान लो माइक्रो कंप्यूटर, फिर लिख दिया मिनी कंप्यूटर, इसको खाली छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया सुपर कंप्यूटर, लिख दिया। अब कहेंगे इस रिक्त स्थान को भरिए, इसको भरिए, ऑप्शन दे देगा आपको डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ऐसे दे देगा। तो सारी क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं आपने, सारी क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? मेन फ्रेम। इस क्लासिफिकेशन स्पेशल पर्पज नहीं आएगा,
मेन फ्रेम है। समझ आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न लिखित स्थान को भरिए यहाँ पर क्या आएगा, या ऐसे ही पूछ सकते हैं बताइए साइज के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, तो माइक्रो है, मिनी है, ये है, कैसे भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कौन सा हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर एक बार रीडिंग करते हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले पर्पज के आधार पर, पर्पज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जिन्हें जनरल उद्देश्यों के लिए जाता है जनरल पर्पज, स्पेशल उद्देश्यों के लिए स्पेशल पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा किया? नेक्स्ट हमने किया वर्क के आधार पर। वर्क के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जो अंकों को शो करते हैं एनालॉग, डिजिट्स का यूज करते हैं डिजिटल, दोनों यूज करते हैं हाइब्रिड। साइज के आधार पे चार प्रकार के, कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। सबसे छोटे माइक्रो, उससे बड़े मिनी, उससे बड़े सबसे बड़े। कई बार ऐसे भी कहते थे निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं साइज के आधार पे, निम्न में से साइज के आधार पे कौन से कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं? देखिए ऑप्शन माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी, ठीक है, जनरल पर्पज। अब आप कहोगे सर साइज के आधार पे तो सबसे बड़े कौन होते हैं? सुपर कंप्यूटर। और ऑप्शन भी नहीं दिया तो उसने क्या लिखा साफ साफ? निम्न में से। ये नहीं पूछा दुनिया में सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं, फिर तो सुपर ही होते हैं। निम्न में से, ये हर चैप्टर में आपको बताया था ऐसे पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से मतलब जो आपको ऑप्शन दिया उनमें से बता दो बस, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है? मेन फ्रेम। ये तो चीज़ ही अलग पूछ ली, जनरल पर्पज तो चीज़ ही अलग। साइज के आधार पर तो यही होते हैं जिनका आंसर क्या है। आ रही बात समझ आपको? ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। करिए रीडिंग करिए इसकी।